रादौर में पूर्व राज्य मंत्री करण देव कंबोज की हार के बाद जहां पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा व कंबोज दोनों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर बीते दो दिन पहले राजपूत समाज द्वारा पूर्व राज्य मंत्री कंबोज का पुतला फूंका गया था। क्षेत्रीय एकता महासभा द्वारा पूर्व राज्य मंत्री करण देव कंबोज का पुतला फूके जाने के बाद आज हरियाणा कंबोज महासभा ने राजपूत समाज के इस कार्य पर रोष जाहिर किया है। रादौर में आज कंबोज महासभा के राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक हुई जिसमें राजपूत समाज को इस विषय को जाति आधार पर न लेकर बल्कि इसे भाजपा का अंदरूनी मामला बताया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा की टिकट कटने के बाद राजपूत समाज ने दो बार पूर्व राज्य मंत्री का पुतला फूंका और उन्हें पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग भी की। ये सरासर गलत है क्योंकि ये पार्टी का आपसी मामला है। इस तरह से दोनों नेताओं को इस मामले को पार्टी स्तर पर ही निपटारा करना चाहिए जिससे समाज का आपसी ताना बाना बना रहे। हमारी आज की जो मीटिंग है ये हरियाणा कंबोज सभा की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है और हमने इस बैठक का जो आयोजन किया है वो इस बात को लेके किया है कि अभी जो हरियाणा विधानसभा हल्का रादौर में जो चुनाव हुए हैं उनमें जो हमारे श्याम सिंह राणा जी और श्री कर्णदेव जी इनके बीच में जो है थोड़ा सा मनमुटाव है और एक दूसरे के प्रति जो है ना कुछ उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। जैसे कि कर्णदेव जी को यहाँ का टिकट मिला और श्याम सिंह राणा या उनके समर्थकों ने उसका पुतला फूंका और कल भी जो है ना उनका पुतला फूंका गया, तो इस प्रकार की कार्रवाई जो है ना वो हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मसला है ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मसला है, इसलिए श्याम सिंह राणा को भी अगर कोई गिला सिखवा है टिकट कटने का या किसी और बात का गिला सिखवा है या श्री कर्णदेव को भी कोई गिला सिखवा है तो इनको ये मामले जो है ना अपनी पार्टी हाई कमांड में उठाने चाहिए, ना कि जाति स्तर पर इनको लिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक ताना बाना है, उसमें करवाहट आती है। इसलिए जो राजपूत महासभा है, जो क्षेत्रीय सभा है, निकी क्षेत्रीय सभा है, उसको भी ये चाहिए कि इस मामले में जो है ना जाति के आधार पर इस विषय को उठा ले और अपने जो प्रत्याशी हैं या उनको सलाह दें कि वो अपनी पार्टी हाईकमांड में इसको विषय को उठाए और जो वो फैसला करेंगे, कार्रवाई करेंगे, वो सबको मान्य होना चाहिए।